शताब्दी कितने बजे जाएगी? शताब्दी शताब्दी तो भाई क्या पोजीशन है? बोर्ड में लिखा पढ़ लो वहाँ पर। अरे उधर बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा। अरे दो घंटे लेट है वो। क्या क्या कह रहे हो आप? एक बजे की। क्या कह रहे हो आप? आपने क्या सुना? क्या दो घंटा लेट है? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, जाके देखो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? स्टेशन मास्टर जी नमस्कार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसका कुछ मतलब है कि नहीं? अरे जिस गाड़ी के बारे में पूछो कहते दो घंटा लेट है, अब किसी को शादी में जाना है, किसी की माँ बीमार है, इतनी सारी परेशानियां और रेलवे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अरे आप तो एक जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी नाराजगी और शिकायत जायज है। आप ये शिकायत रेलवे प्रशासन को लिखित में भेजिए, आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो बात जरूर बनेगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं, कौन सी ट्रेन है? अरे जाना तो बीजापुर है कामायनी एक्सप्रेस से। अरे आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकली है फौरन। अरे अभी अभी पूछताछ कार्यालय में कहा दो घंटा लेट है। अरे जाओ ना भाई, तुम्हारी ट्रेन जा रही है ना। अरे तो कमाल सिस्टम है यार। अरे तो हमारा पैसा बाहर निकाल लिया भाई, क्या करता है तुम? अरे देखिए हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये पैसा हमको इनाम में मिला है, हमने अपनी जान पर खेलकर एक दुकान को लूटने से बचाया है। ये देखिए ये हमारा कार्ड है और ये देखिए ये न्यूज अखबार में छपी थी। अब हम जाए, गाड़ी छूट रही है, फंस जाएंगे भाई। अरे कहाँ यार, सब लोग परेशान करने के लिए मिलते हैं। अरे तेरी मन पसंद बिरयानी है, ले खा ले खा ले ले। अकरम अकरम, अरे दे दो भाई, ले ना, अरे खा ले। हाँ हाँ ले। काकी की उम्र खेत तुम्हारी, सुबह देख रहा हूँ लपके पड़े हो साला, हर जगह एक तिल्लोचन बैठा हुआ है, दीमक कीड़े मकोड़े साले, गंदी नाली, कहीं मरे कहीं भूत हो साले, इसको क्यों भाई नहीं छोड़ते? तुम सो जाओ हम जगते हैं। हाँ हाँ बेटा सो जाओ। कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ।
बैल चौकी चाल बैल चाल हम अच्छे खाते सो रहे थे हमारा बैल छीना था लोग इनाम के साथ में दोस्तों ने मदद की और हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितना कहा है एकदम सच कहा है उसमें बिल्कुल झूठ नहीं कहा है और वो तो गुंडों से उलझने के चक्कर में पता नहीं पर्स कहाँ गिर गया हमारा वरना हम आपको पहचान पत्र दिखा देते और उसमें एक और कटिंग भी थी वो भी दिखा देते कि पैसा आया कहाँ से बस बस अब इधर उधर की बातें मत कर सीधी तरह ये बता कि ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से लूटा किसका मर्डर किया सीधी तरह बता नहीं तो एक मिनट में उगलेगा एक मिनट में क्या उगलेगा आप समझ क्यों नहीं रहे जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तिवारी जी से फोन पे बात करिए अब तिवारी जी तुम्हारी की बात मत कर और ये फोन वन की बात मत कर साले चलान करके दो मिनट में अंदर कर दूंगा एक मिनट सिंह साहब ये भी तो हो सकता है कि ये सही कह रहा हो देख तेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है ये पैसे सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे और फिर सिंह साहब तुम्हें एक लेटर देंगे उस लेटर को लेके जब तू कोर्ट में जाएगा तब ये माल मिलेगा बाबू सिंह साहब एक लेटर हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप हमसे चाहते क्या है आप पहले हमें समझाइए हम समझेंगे एक मिनट तुम्हारी है इसी की तैसी बाहर आकर खुले में बात करो अगर हम साबित नहीं कर सकते ये ईमानदारी का पैसा है तो तुम साबित करके दिखा दे बेईमानी का पैसा है अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं हम भी अपने अधिकार जानते हैं यार बताओ क्या प्रॉब्लम बताओ हम पत्रकार हैं छुपा दे भैया हम मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड कुछ पैसा हमको इनामी मिला कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे हम पैसा बचाते हमारी दशा हो गई हम इनको करते अंदर समझा रहे तो नहीं ये लोग हमें तीन पांच समझा रहे करें यहाँ जाओ कोर्ट में जाओ वहाँ जाओ ट्रेन छुटवा दी इन लोगों ने हमारी कौन आदमी की क्या हुआ क्या हुआ भाई ये लोग सामने कोशिश ही नहीं कर रहे अरे चलते हैं हमको बता रहे कि हमको पैसा इनाम मिला हमारे दोस्तों ने आप हमें अंदर करने की बात कर रहे हो उगलवाने की बात कर रहे हो तुम तो खामखा भड़क गए हम तो बस पूछ ही रहे थे अरे पूछ भी क्या रहे थे हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे पैसे तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे अच्छा भाई तो हम हो गए गलतफहमी का शिकार अब तो आप हमारे भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए ट्रेन तो हमारी निकली गई छूटी गई हाँ, करते हैं